नमस्कार, MPCC 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं शीतल। अंधविश्वास देवी के चक्कर में पति ने पत्नी की बलि चढ़ाकर देवी मां को किया प्रसन्न। ग्राम बसोड़ा शासन चौकी की क्षेत्र की घटना। प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्रजेश केवट झाड़फूक का काम करता था। उसका कहना है कि देवी ने नर बलि मांगी तो मैंने अपनी पत्नी की बलि दे दी है। देवी की इच्छा होगी तो जीवित भी कर सकती है। गौरतलब है कि आरोपी के कथा अनुसार अगर देवी ने बलि मांगी थी तो उसे फरार नहीं होना चाहिए। हत्या के एक दिन पहले मृतिका एवं उसके बच्चों ने पुलिस चौकी पहुंचकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में लिखा गया था, आरोपी यानी मृतिका का पति उसकी हत्या करने की साजिश रच रहा है। मृतिका ने पुलिस को संज्ञान में दिया था कि उसकी हत्या हो सकती है, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट लेने के बाद मामले को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि पुलिस ने मृतिका को हिदायत दी कि वह सतर्क रहे। अब सोते समय पर घर के पति से कितना सतर्क रहा जा सकता है। मृतिका की हत्या सोते समय बलुआ से सर काटकर की गई थी। हत्या के एक दिन पहले दिन में मृतिका ने बच्चों के समेत चौकी में आकर अपनी जान माल की रक्षा की गुहार की थी। घटना में सनसनीखेज है कि आरोपी ने पत्नी की हत्या से पहले पूजा स्थल पर रात में बकरी की बलि चढ़ाई थी। बकरी के शव को उसके पति ने कमरे में गड्ढा खोदकर दफना दिया था तथा बकरी के सिर को पूजा स्थल पर दफनाया था और यह कहा था कि देवता घर के किसी मानव की बलि मांग रहा है। यह सुनकर पत्नी पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। सिंगरौली से MPCC 24 समाचार के लिए ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा की रिपोर्ट। पत्नी की हत्या की है, क्या मामला है? आज दिनांक को रात्रि करीबन 2:30 से 3 बजे के बीच की घटना है ग्राम बसोड़ा की। ब्रजेश केवट आरोपी है, जो कि रात्रि करीबन 2:30 से 3 बजे के बीच में अपनी पत्नी बिट्टी केवट को धारदार हथियार से मारपीट कर रहा था। उस समय उसके दोनों पुत्र मनोज केवट और शुभेंदु केवट जग गए थे। उनके द्वारा रोकने का भी प्रयास किया गया, लेकिन आरोपी उनकी बात को नहीं माना और उनको भी धमकाया। तब वो दोनों भाग गए और इस बीच उसने धारदार हथियार से महिला के सिर में और गर्दन में प्रहार करके उसकी हत्या कर दिया और उसको उसके शव को जहां वो पूजा पाठ करता था वहां गाड़ दिया था। प्रथम दृष्टया तंत्र मंत्र के चक्कर में हत्या का प्रकरण प्रकाश में आया है। पुलिस द्वारा हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध कर गंभीरता से अनुसंधान किया जा रहा है।